बिल्कुल एक नए लुक, एक नए कैरेक्टर के साथ आई हूँ मैं, एक नई सोच के साथ, एक नई पहचान लेके और नए बदले के साथ नए मकसद के साथ। नए मकसद के साथ। कैसा बदला है कि क्या प्लान है? बदला ये है कि इतने सालों में जो मैंने जितने भी आंसू बहाए, जितना मैं रोई हूँ, जितना दर्द सहा है, उन सब का सबसे बदला लूँगी। जिस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे सबकी, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ था। इनफैक्ट मैंने अपने बच्चे तक को खो दिया। मैंने कुछ किया भी नहीं जबकि मैं बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको, साफ सच्चा और पाक आदमी। मैंने कुछ नहीं किया। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, वो मुझे नहीं, मैंने पढ़ी नहीं थी, अदरवाइज शायद हालात कुछ और होते। जबरदस्ती मेरे ऊपर बिल फट रहा है। आर यू मिसिंग थपकी? दो सालों में मैंने बहुत मिस किया। मेरी हालत देखी नहीं आप लोगों ने शायद स्टार्टिंग में क्या हुई। मैं सिर्फ शराब के नशे पर जी रहा था। यहाँ आने के बाद एक होप आई कि ये थपकी है, मान लेगी, लेकिन ये ढीठ इतनी है कि मान भी नहीं रही है कि ये थपकी है। तो अभी मेरा फुल कंसर्न एक ही है कि इसको कैसे भी इससे कन्फेस कराऊँ कि ये थपकी है और पूरे परिवार के सामने वापस पुरानी थपकी को लेकर आऊँ। 2 साल एक बहुत बड़ा अरसा हो गया, बहुत लंबा समय है जो बीत गया। अब नहीं चाहता कि अब मैं भी उस रूप में कंटिन्यू करूँ जिस रूप में आप लोगों ने मुझे स्टार्टिंग फर्स्ट सीन देखा मेरा, मतलब कम्प्लीटली जानवर बन गया, जो इंसान पत्थर हो चुका है। मैं भी वैसे नहीं रहना चाहता। इसके सामने आते ही वापस इंसान वाला कुछ हरकतें शुरू हुई मुझ में, जिनमें सबसे पहले मेरी कोशिश यही कैसे भी बस ये हाँ कर दे कि ये थपकी है। इसकी आपकी मॉम कोसी जी बहुत खुश नजर आ रही है, थपकी नहीं है, और जिस इरादे से थपकी उनको पता भी नहीं चल रहा है इसके बारे में। वो थपकी से खुश नहीं हुई है, वो जिस कैरेक्टर से खुश हैं वो है वानी ओबरा। वो उनकी बिजनेस डील की बहुत बड़ी हिस्सेदार है, तो इसीलिए उनको है कि मतलब इतनी रईस, और उन्होंने कहा भी साक्षात लक्ष्मी हमारे घर में आई, मतलब इतनी पैसे वाली लड़की।